प्यारे नाजरीन, आज गांव में बारिश हुई तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूं। आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत से पहलू हैं जो आपने शायद पहले गांव में ना देखे हों। जब बारिश होती है तो गांव के माहौल कैसा होता है, इसकी रोनमाई की गई है इस वीडियो में। ये विंटर सीज़न की पहली बारिश है और हमने आप दोस्तों के लिए इतनी सर्दी में वीडियो बनाई। गाड़ी और ट्रैक्टर भी खड़े हैं और साथ में जानवर जो हैं वो बंधे हुए हैं, बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे होंगे। तो मेरी ये कोशिश होती है कि आप दोस्तों को बहुत ही इम्प्रूवमेंट वाली वीडियो जो है दिखाता रहूं। तो आप दोस्त वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये देखें विलेज में कैसा माहौल होता है जब बारिश होती है, बहुत ही इंजॉय, फुल कलर और खूबसूरत सी लाइफ, वो विलेज लाइफ होती है। ये वीडियो आप दोस्तों ने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में हमने कोशिश की है आपको बारिश के दौरान विलेज की लाइफ मुकम्मल जो है दिखाई है, विज़िट करवाई है। तो आप दोस्त लाजमी देखें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, खूब इंजॉय करें। बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई है और बहुत ही मेहनत से बनाई है। सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मकान कच्चे हैं और गलियाँ रास्ते सब कच्चे हैं, कीचड़ में उलझ चुके हैं, सब रास्ते ख़राब हो चुके हैं और मकानात तकरीबन जो हैं वो भी कच्चे हैं और जानवर आप देख सकते हैं, सर्दी है और यहाँ पर घास जो है काटी जा रही है, चारा बनाया जा रहा है जानवरों के लिए। तो अब बारिश भी हो रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जानवर जो हैं वो बाहर बंधे हुए हैं।
यूं तो बारिश एक बहुत अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अल्लाह की कुदरत के आगे ये जानवर, बेजुबान जानवर हैं, कैसे खामोश खड़े हुए हैं। आप दोस्त देख सकते हैं कि विलेज में कैसे जो है बारिश का पानी को एक रास्ते से निकाला जा रहा है, जबकि सिटी में ऐसा नहीं होता और बहुत ही यहाँ पर दुश्वारी का सामना होता है, यहाँ से गुजरना महाल होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत पुरसकून लाइफ होती है, आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। अभी आप दोस्तों को ये बकरा नज़र आ रहा है और बाहर आपको फसलों का विज़िट करवाता हूँ मैं, तो इंजॉय करें। Thank you.
साथ ही गांव में खूबसूरत सा ट्यूबवेल लगा हुआ है और चारा काटने वाली मशीन जो है लगी हुई है। ये चारा काटने वाली मशीन है और दूर से आपको जो है मोबाइल कंपनी का टावर नजर आ रहा है। अब देखें गंदम भी बीजी हुई है और यहाँ पर आप देखें बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा पानी है, आप देख सकते हैं। अल्लाह सब पर रहमत नाजिल करे और रहमत की बारिश बरसाए।
Thank you.
नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक्टर है, उस पर हल लगा हुआ है और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक और ट्रैक्टर नज़र आ रहा है। छतरी लगाकर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सर्दी है और मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। ये ट्रैक्टर आप देखें, पुराने दौर का है लेकिन बहुत ही पायदार है। आप देख सकते हैं इतनी बारिश में ये गाड़ी जो है बाहर खड़ी हुई है और इसके मालिक को कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर ये शहर में होता तो वो कहता, जी मेरी गाड़ी को ये हो गया वो हो गया। लेकिन देखें, विलेज वालों को कोई फिक्र नहीं होती, वो अपनी ज़िंदगी में सुकून से होते हैं। अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं और आपको बाहर का विज़िट करवाते हैं। खूबसूरत सा गाँव का नज़ारे जो बारिश के बाद पेश आ रही है आप दोस्तों के सामने शेयर करते हैं। तो आप दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो एंजॉय करें प्यारे दोस्तों, खूबसूरत से नज़ारे सिर्फ आपके लिए हैं। Thank you.
दोस्तों मैंने मेहनत करके आप दोस्तों के लिए खूबसूरत सी वीडियो बनाई है। अब आप दोस्तों का फ़र्ज बनता है कि मेरी सपोर्ट करें और मेरी हौसला अफजाई करें, और इतनी सर्दी में मैंने जो आप दोस्तों के लिए मेहनत की है, आप उसको कामयाब करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और मेरा साथ देते रहें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी विलेज की और वीडियो खूबसूरत लाता रहूं। तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप दोस्त हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहे और हमें कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों उम्मीद है आप दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप दोस्तों से अब इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।